हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड भूल गए तो उसको रिकवर कैसे करें, यानी कि उसको रीसेट कैसे करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम अपने प्राइवेट सेफ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और काफी सारी इंपॉर्टेंट फोटो को रखते हैं छिपा करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स मोबाइल की ऑन कर लेनी। आप सेटिंग्स को दो प्रकार से ऑन करेंगे, या पर डायरेक्ट सेटिंग सर्च कर लेंगे यहाँ पर, या फिर आपको यहाँ पर जैसे सर्च बार में यहाँ पर ऊपर जाते हो तो यहाँ पर डाटा ऑन के एक आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी सिंपल सी सेटिंग्स पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब आपको आ जाना है सिंपल से, और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्राइवेसी। यहाँ पर इसे हमने सर्च किया प्राइवेसी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइवेसी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको। तो इस वाले प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेट सेफ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने में दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब मैं रॉन्ग पासवर्ड कोई डाल दे रहा हूँ, अब क्या होगा जैसे रॉन्ग पासवर्ड डाल, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का। तो आपको सिंपल सी इस पर क्लिक कर लेना है, और आपको जो भी आपने टीचर्स नेम डाला हो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, क्योंकि दोस्तों तभी आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड कवर कर पाएंगे, यानी कि रीसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पर फिर से क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है एंटर द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो, यानी कि आप जो आपने क्वेश्चन मतलब टीचर नेम डाला था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपको याद नहीं है तो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ये होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूँ, जिसको अपना टीचर्स नेम याद हो वो यहाँ पर डाल करके कन्फर्म कर दे, ठीक है। जैसे मैंने कि कन्फर्म कर दिया, अब यहाँ पर देखिए वो प्राइवेसी पासवर्ड लॉक हो चुका है, मतलब यानी कि अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेट प्राइवेसी पासवर्ड यूज अ डिफरेंट पासवर्ड, यानी कि आप यहाँ पर कोई 6 डिजिट का न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं डाल दे रहा हूँ कोई अपना एक पासवर्ड, जैसे मैंने जो डाला था पहले, यहाँ पर वही मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल लेना और वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर क्लिक कर दो, तो आपका पासवर्ड चेंज होगा। यदि दोस्तों आप लोग प्राइवेसी पासवर्ड भूल गए तो मैं उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप जैसे टीचर्स नेम आपको पता नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक आ जाना सिंपल सा, और आपको अपना मोबाइल रीसेट करना होगा। यही एक चारा है, यदि आप टीचर्स नेम याद नहीं है आपको, तभी आप ये रीसेट कर सकेंगे। तो दोस्तों आज को वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बता देना।